नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई की ओर। न्यायमूर्ति आरडी धनुका और न्यायमूर्ति कमल खता की एक खंडपीठ ने कहा है कि बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी की ओर से दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि ऐसा करने से अनाधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई है। अदालत ने बीएमसी को 2 सप्ताह के भीतर अनाधिकृत हिस्से को गिराने और 1 हफ्ता के बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को 2 सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया। राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत में 6 सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वे उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल कर पाएं। हालांकि अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया। बम्बई उच्च न्यायालय ने राणे के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी कालका रियल एस्टेट की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट के लोग अनाधिकृत निर्माण करते हैं, उसके बावजूद कोर्ट में लीगल रूप से अनुमति मांगते हैं कि उसे लीगल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तमाम सरकारें, तमाम अदालतें इसका विरोध करती हैं और सही को सही और गलत को गलत कहती हैं। इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।